नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीजीटी यानी देसी गबरू टेक में। मैं हूं हिंद और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 हाइलाइटेड फीचर्स ऑफ ओप्पो रेनो 10X जूम, जो इस स्मार्टफोन को और भी खास बनाते हैं। तो लेट्स गो। तो दोस्तों, वैसे तो ये स्मार्टफोन काफी कमाल के फीचर्स के साथ में लॉन्च हुआ है, लेकिन बात करें इसके टॉप 5 हाइलाइटेड फीचर्स की, तो इसका जो पहला फीचर है वो है 10x ऑप्टिकल जूम, जो इस स्मार्टफोन को और भी खास बनाता है। अब बात करें ऑप्टिकल जूम की, तो उससे पहले हमें Huawei P30 Pro में 5x ऑप्टिकल जूम देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी तो भैया Huawei का हाल बेहाल है, क्योंकि US में ट्रंप ने इसे पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब इसे क्यों बैन किया, ये सारी कहानी की एक वीडियो हम बना चुके हैं जो आपको आई बटन में मिल जाएगी, लेकिन यहां पर हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ फोटोज होगी ओप्पो रेनो 10X जूम से ली गई है। मतलब काफी कमाल का जूम देखने को मिल रहा है। ये जो गाड़ियां हैं देख सकते हैं आप, कितना मतलब ठीक ठाक जूम है इसका। बाकी भैया कमाल के फोटोज आ रहे हैं, क्वालिटी भी कमाल की है, लेकिन इसका जो सबसे खतरनाक फीचर हम कह सकते हैं वो है इसका 10X ऑप्टिकल जूम। मतलब काफी दूर की गाड़ियों को इसने बिल्कुल पास में लाके खड़ा कर दिया, मतलब जूम का यही काम होता है। लेकिन कमाल का फोन है, मतलब दुनिया का पहला स्मार्टफोन है जिसमें हमें हाईएस्ट ऑप्टिकल जूम देखने को मिलती है। अब इस स्मार्टफोन का जो दूसरा फीचर है जो इस स्मार्टफोन को और खास बनाता है, वो है इस स्मार्टफोन का शार्क फिन पॉपअप सेल्फी कैमरा। अब इसका यहां पर शार्क फिन पॉपअप सेल्फी कैमरा इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि शार्क मछली के पर की तरह खुलता है, और इसका जो खुलने का समय है वो 0.8 सेकंड है। मतलब 0.8 सेकंड में इसका पॉपअप सेल्फी कैमरा खुल जाता है। इसके अलावा 5 साल तक इस स्मार्टफोन के जो सेल्फी कैमरा है इसमें कुछ नहीं होगा, ये कंपनी का कहना है। बाकी इस स्मार्टफोन का जो खास फीचर है वो ये कि इस स्मार्टफोन में हमें फॉल डिटेक्शन फीचर देखने को मिलता है, यानी कि जैसे ही ये स्मार्टफोन नीचे गिरेगा, मतलब कहीं भी गिरेगा, तो इसका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो कैमरा का लेंस है वो ठीक ठाक रहेगा। तो मतलब कमाल का फीचर है। अब इसके अलावा इसके तीसरे फीचर की बात करें तो वो है इस स्मार्टफोन का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का चिपसेट, यानी कि लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, जो कि हमें 2.84 GHz ऑक्टाकोर क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 का देखने को मिलता है। मतलब लेटेस्ट चिपसेट है क्वालकॉम कंपनी का, फुली 5G को सपोर्ट करता है और मतलब पावरफुल है। पावरफुल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस स्मार्टफोन में पबजी फोर्टनाइट के अलावा सारे गेम्स हम आसानी से बगैर रुके, मतलब बगैर हिलके बगैर हिचके खेल सकते हैं। मतलब कमाल का प्रोसेसर है। इसके अलावा इसके कुछ अदर फीचर्स की बात कर ली जाए तो NFC, ट्रिपल माइक्रोफोन, डुअल फ्रीक्वेंसी GPS, इसके अलावा 3.5 mm का ऑडियो जैक, डॉल्बी एटमोस और 4065 mAh की बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है, सारा सब कुछ देखने को मिलता है हमें इस स्मार्टफोन में। बाकी ऐसा भी सुनने में आया कि ओप्पो अपना ओप्पो रेनो सीरीज का ही 5G स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, मतलब इस साल के एंड तक लेके आ जाएगा। अब यहां पर बात करें इसके चौथे फीचर की जो इस स्मार्टफोन को और बेस्ट बनाता है, वो है इस स्मार्टफोन का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप, जिससे हम 10x ऑप्टिकल जूम के अलावा 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 60 फ्रेम्स पर सेकंड पे। अब बात करें इसके प्राइमरी कैमरा की, तो 48 मेगापिक्सल का Sony IMX586 सेंसर के साथ में FY1.7 अपर्चर के साथ जो कि OIS को सपोर्ट करता है। अभी बात करें इसके दूसरे कैमरा की, तो FY2.2 अपर्चर के साथ में 8 मेगापिक्सल का सुपर वाइड एंगल सेंसर के साथ में आता है जो कि 120 डिग्री व्यू तक को सपोर्ट करता है। इसके अलावा इसका तीसरा कैमरा FY3 अपर्चर के साथ में 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो सेंसर के साथ में आता है। इसके अलावा इसका जो रियर कैमरा सेटअप है वो लेजर ऑटो फोकस को सपोर्ट करता है। अब बात करें इसके पांचवें फीचर की जो इस स्मार्टफोन को और खास बनाता है, वो है इस स्मार्टफोन की बेजल लेस डिस्प्ले, जो कि 6.6 इंचेस की फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले है, जिसका स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2340 पिक्सल है। इसके अलावा इसकी स्क्रीन पे हमें गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इसके अलावा बात करें इसके स्टोरेज की, तो इसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक तो 6GB रैम के साथ में 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा 8GB रैम के साथ में 256GB इंटरनल स्टोरेज। अब दोनों ही इंटरनल स्टोरेज को हम 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हैं माइक्रो SD कार्ड के जरिए। बाकी कलर ऑप्शंस की बात करें तो इसके दो वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, एक तो जेट ब्लैक, दूसरा ओशन ग्रीन। इसके अलावा इसकी जो कीमत है, मतलब 6GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत है 39,990 रुपये, वहीं इसके 8GB रैम वाले वेरिएंट की कीमत है 49,990 रुपये। तो मतलब कमाल का फोन है, कमाल के फीचर्स हैं। आप इस स्मार्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं। तो फिलहाल बस इस वीडियो में यही थी कुछ जानकारी जो हमने आप साथ में साझा की। अगर आपका कोई सवाल है, सजेशन है, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, क्योंकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई पुरानी जानकारी मिलती है आपको इस चैनल पे अपनी खुद की भाषा हिंदी में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वेरी मच।